निवासी सिमरन का पहले ही प्रयास में आरजेएस में चयन। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की रिपोर्ट। बयाना राजस्थान हाई कोर्ट ने रविवार दोपहर आरजेएस का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में बयाना की बेटी सिमरन सिंह ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। सिमरन को परीक्षा में 190वीं रैंक मिली है। सिमरन ने इस साल जुलाई में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से LLB की पढ़ाई पूरी की। सिमरन के पिता डॉक्टर टीकम सिंह वर्मा बयाना के सरकारी अस्पताल में दंत रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि मां विनीता सिंह हाउसवाइफ है। सिमरन का छोटा भाई वैभव सिंह MBBS का स्टूडेंट है। सिमरन ने बताया कि उसने 12वीं की पढ़ाई मैथ और साइंस से पूरी की थी, लेकिन बाद में जुडिशियल सर्विस में जाने की सोची और LLB में एडमिशन ले लिया। सिमरन ने बताया कि जुलाई में उसने LLB की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद अगस्त में उसका RJS का पेपर हुआ था। उसने अपने पहले ही प्रयास में RJS परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सिमरन ने बताया कि RJS बनकर वह न्याय की मूल अवधारणा सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी और सिमरन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिचय दीजिए आप। मैं आगरा से हूँ, ये सिमरन की नानी हूँ और पहले हम राजस्थान में रहते थे धौलपुर में, और आगरा में आ गए हैं और वहीं हम शिफ्ट हो गए हैं। आपने कब सुना था इस विषय में कि सिमरन RJS में सेलेक्ट हो गई है? कल सुना था। फिर आपको कैसा लगा वहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी तो ये इच्छा थी कि मेरी सिमरन अच्छी मतलब पोस्ट पर आए, ऊंची पहुँचे और जज कलेक्टर बनी। अच्छा, वो कलेक्टर बन जज बन गई है? मुझे बहुत गर्व है। उसने मैं इतनी मेहनत की है कि कोई कर नहीं सकता। तो आपने कोई मन्नत मांगी थी या वैसे ही? कोई मन्नत नहीं, मैं तो दिल से मन्नत देती हूँ। अच्छा, दिल से देती हो? वैसे मानी नहीं कि किसी देवता पे करूंगी वो करूंगी है? नहीं, मैं दिल से ही बोलती हूँ इनको, बच्चे मेरे अच्छे निकले और आगे बढ़े, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। आप नाना हो, पहले अपना नाम बताएं आप, उसके बाद में फिर आप बताएं। मेरा नाम अधिवीर सिंह है और मैं सिमरन का नाना हूँ। और जब से मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जरूर कुछ बनेगी। मैं कहता भी तब तो बेटा नाम रोशन करेगी, और वास्तव में इसने कर दिया। और कल जब मैंने सुना तो अब तक मेरे आंसू ही रुक रहे हैं। अच्छा, खुशी के आंसू? खुशी के आंसू। अच्छा, तो अभी तो मतलब एक कह रहा है ये बड़ी इतना अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, खुशी के गम के। यहाँ आपको खुशी इतनी ज्यादा महसूस हो रही है कि आपके आंसू आ रहे हैं, अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप खुशी के लिए। इससे सिमरन से सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इसके अनुसार चलना चाहिए, तो वो भी आगे बढ़ेगा। पहले तो तुम्हें बधाई सिमरन, ठीक है? उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो अब स्वागत सम्मान हो रहा है वो किस वास्ते हो रहा है आपका? RJS 2024 में सिलेक्शन के परीक्षा। किस प्रेरणा से आपको ये कि किसने प्रेरणा दी थी कि आप RJS बने हैं, इस तरह से तैयारी करें? मेरे पेरेंट्स ने और मेरे एक अंकल है, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो उनके सजेशन पे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी थी। कितने घंटे निरंतर की मदद से आपको ये मुकाम हासिल हुआ है? कॉलेज टाइम से ही मैं डेली 7-8 घंटे देती थी, फिर जब एग्ज़ाम पास आया तो वो बढ़ा दिया मैंने 12-13 घंटे कर दिया। तो क्या पहले ही पढ़ कर लिया था आपने मुझे RJS बनना है? हाँ, मैंने 3rd ईयर में डिसाइड किया था, फिर 4th ईयर से मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब आपको जब ये मुकाम मिल चुका है तो आप कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। आप सिमरन की मम्मी हैं जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी ने आपका नाम, बयाना का नाम, पूरे परिवार का नाम, पूरे कुटुंब का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मुझे शुरू से ही पता था कि एक दिन ये हम सबका नाम रोशन करें। ये शुरू से ही मेहनती रही है और पढ़ाई लिखाई में हद से ज़्यादा ही इसने मेहनत की है, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है हम सब। डॉक्टर साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इस समय बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे मेरी बिटिया पे बहुत गर्व है। इसने मेरे परिवार का, बुजुर्गों का, मेरे गांव का, क्षेत्र का, तहसील का जो आज नाम रोशन किया है, इससे मैं बहुत ही
प्रफुल्लित हूँ, गदगद हूँ और मैं मेरी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि ऐसी ये नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें और जनता के हित में जनता की सेवा करें। सिमरन, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो आज की युवा पीढ़ी है, ठीक है, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, आपने देखा होगा, तो आप उनके लिए क्या सजेशन दोगी, क्या उनको राव दोगी कि मंजिल अगर पानी है तो क्या करना पड़ेगा उनको? मेरा तो यही सजेशन है, जैसे मोबाइल है उसका अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो उसका बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है, और अगर उसका अच्छे से यूज़ नहीं किया तो फिर अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने तो जो भी मैंने पढ़ाई की है वो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज से, ऑनलाइन कोचिंग से ही की है, तो मोबाइल फ़ोन ने मेरे लिए तो बहुत अच्छा हेल्प किया है मोबाइल ने। तो उस युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे? ये कि थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ होती है, बट डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पढ़ाई में। चलो, बहुत धन्यवाद आपको, बार बार मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप में कि डॉक्टर साहब मेरे भाई जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें फिर पुनः बधाई दे रहा हूँ पूरी फैमिली के लिए।